द गांधी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जीबिशन क्यूरेटेड बाय प्रदीप कुमार डीएम इज एन एफर्ट बाय 27 यंग आर्टिस्ट टू विजुलाइज एंड एक्सप्रेस द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी इन देयर ओन वे पेंटिंग्स ड्राइंग्स फोटोग्राफ्स स्कल्पचर्स एज वेल एज वीडियो इंस्टॉलेशंस एंड अदर इंस्टॉलेशंस अटेम्प्ट टू ट्रांसफॉर्म images into idea through popular images of Gandhiji and his associated symbols. It is important to know what today's young artists think about Mahatma Gandhi and how they see Gandhiji's thoughts in the context of contemporary life. Art has been an important element in Gandhiji's freedom movement, whether it is the art of living or fine art. We know about his association with Rabindranath Tagore, Nandlal Bose, etc., and so many artists attached with Gandhiji at that time. At that time, many artists were involved in Gandhiji's movements. After independence, many artists have done paintings or sculpture on Gandhiji. This exhibition is an attempt to Hello, hi, I'm very happy to curating this show. This is my first curation. Earlier I did many of coordination kind of thing. I took it as a very brutal part. We took as a Gandhi as a concept, like a past, present, future. हमने जो गांधी का जो विचार लेके यहाँ पे चारों बैच विद्यार्थियों को हमने यहाँ पे सहयोग जो किया है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को दोनों को ये किया है. इसका मतलब है अगर बहुत सारे यहाँ पे जो रीजनल का जो हमारा स्टूडेंट थे जो वो रीजनल जो वहाँ के नज़र से और उस नज़र से यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट दूसरे दूसरे माध्यम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है. जैसे ये है हमने एक स्टूडेंट को हमने बताया था आप कुछ काम करो लेकिन सर ऐसा कसौती किया तो ऐसा थोड़ी ना काम होता है क्यों काम नहीं होता है. हमारा ऐसा बोलने का मतलब है आप सफ़ेद का शुरू करो और जैसे जैसे हमारा अलग अलग कलर बदलते आए अलग अलग लोग आए तो उनको जैसे लाल रंग का टोपी और हरा रंग का टोपी अलग अलग रंग का टोपी आ गया तो हमको लगता है अभी सफ़ेद कुछ नहीं बचा है. मतलब अभी सारे मतलब जैसे रंग होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये कौन है आदमी. मतलब ये एक एक बार बहुत दुख होता है क्योंकि हम कलाकार होकर मैं पेंट करता हूँ कभी कभी इतना पेन होता है कि मैं इसका कौन सा रंग लेके हम काम करना चाहिए. अगर हरा लेना है तो ये लोग ये आदमी ऐसे हैं अगर दूसरा कलर लिया तो ऐसे. लेकिन हमको कुछ नहीं बनना चाहिए हमको इंसान बनना चाहिए. जो भी रंग लगाए तो हम दिल से बनाएंगे. आजकल रंग इतना बदल गया है हम सोच ही नहीं सकते. अगर ब्लू डाल दिया तो इन्होंने ला पर्टिकुलर वो ये कम्युनिटी का है. अगर रेड आ गया तो अगर वो ये कम्युनिटी का है ना. वी आर वेरी सफरिंग विद डीलिंग विद कलर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हज टू हाउ टू पेंट. अगर हम अच्छे से कमल दिखाना चाहते हैं तो दिस पीपल दे कन्वर्ट टू सम अदर थिंग. तो हम विष्णु का कुछ बारे में बताते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ एक पार्टी वजह से ऐसे बहुत सारे हम एक एक बार बहुत कष्ट होता है. और ये सारे ये शो में पर नज़र देख सकते हो. और एक बात है एक्चुअली ये काम है सिर्फ गांधी मतलब गांधी का पोर्ट्रेट नहीं है जो गांधी का विचार और गांधी जैसे हम जो क्यों महात्मा बोलते हैं उनको वो सारे यहाँ पे लाने के लिए बहुत हमने कोशिश की. क्योंकि एक स्टूडेंट है हमारा अपने इस प्रोफेशनल फील्ड वो बिलोंग्स टू वीवर फैमिली का है. जो वीवर का जो उनका सोच है और गांधी का सोच क्या था आप उतने हिसाब से आप काम करो फिर वो अच्छे से एक स्कल्पचर फॉर्म में किया. जैसे विविंग जैसे होते हैं आप अपना बारे में थोड़ा कंटेम्प्रेरी थोड़ा सोचो और वीवर और वो कंटेम्प्रेरी हमारा जो हमारा वे ऑफ अप्रोच बहुत अच्छा लगा इस शो. और काफ़ी इंडियन मिनेचर लेके अगर सुरपुर का एक मिनेचर स्टाइल है और विजय हागरूडी के उसमें बहुत सारे मतलब उसमें बहुत सारे काम किया है. उसकी वजह से एक ईश्वर करके वो एक है उनको इंस्पायर लेके यहाँ पे बहुत सारे मतलब ड्राइंग दिखा है. उसमें आप देखिए
फीमेल रिवलेश्वरी एक महिला है वहाँ के, वहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे और एक गांधी का एक फ़ोटो है और एक यहाँ पे एक संगया मंडी, इस मरीकोट रिवर, मैंने बहुत उनको मिला भी हूँ। और गांधी का जो विचार है उनका भी वो भी विचार है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो गांधी के विचार लेके इतना काम किया है। इसके लिए एक गांधी और एक में संगया मंडी का हमने लिया है। संगया मंडी बहुत मतलब रेवोल्यूशनरी, मतलब जो क्या बोलते व्यूइंग, मतलब जो कई मक्का हम बोलते हैं, उसके लिए वो बहुत मतलब बहुत सारे मेहनत किया। और उनको बोलते हैं हमारे पीछे क्यों पड़े हो प्रदीप, इसमें कुछ नहीं है। आज भी वो कारीगर को 150 रुपीज़ भी नहीं, मतलब 150 रुपीज़ भी अगर आ गए तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी बहुत लोग आ गए, वो बहुत सारे इंक्रीज हो गए तो हमारा पूरा ख़त्म ही हो गया, उसमें कुछ बचने वाले कुछ भी नहीं है। आप एक मतलब व्यूअर के साथ पीछे मत पड़ो, उससे अच्छा आपने आप काम किया। ये सारे बातें मेरे को बहुत दुख लगता है, इसके लिए ये गांधी प्रेजेंट फ्यूचर और पास, इसमें जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन का क्या है वो नज़र, जैसे अभी पहले जैसे गांधी अभी नहीं है, अभी गांधी मतलब अलग ही नज़र से देख रहा है वो। एक एक बार बोलते ही देशभक्त है, फिर भी एक एक बार वो मतलब ऐसे लगता है हमको बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है हमारे देश में क्या हो रहा है। इसके लिए ये बहुत सारे ये शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब ये शो मतलब ये शो प्रिपरेशन सिर्फ 10 दिन के लिए 10 दिन में बना है, और हमको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ से ऐसा शो करना है। जो बढ़िया वर्क है वो न्यूज़पेपर करके बोले थे, और जिसका बढ़िया वर्क करने में इसमें में हमको इतना मज़ा नहीं आएगा, इसमें 10 दिन में क्या कर पाएंगे। और सब स्टूडेंट को बोला, सब उसमें प्रोफेशनली बहुत फिट है, और हमने एक एक सबको एक एक डिस्प्ले के लिए क्लिक किया, और सोशल मीडिया के लिए क्लिक किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या कैसे करना है उसमें क्लिक किया, फिर पोस्टर डिज़ाइन, वो सारे 27 आर्टिस्ट थे, सारे काम मतलब काम को डिवाइड कर लिए, तो ये बहुत ईजी हो गया, क्योंकि मेरे को ये ऐसा है मैं बहुत एनजीओ में काम किया हूँ। ये शो मेरे लिए इतना मतलब इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ग्राम सेवा संघ में मैं बहुत एक्टिवली काम किया, चरका में भी बहुत सारे काम किया, और प्रसन्ना के सोच के भी मैं बहुत सारे सोच रहा हूँ। यहाँ के प्रवर प्रसन्ना इज ए वेरी गुड सोशल एक्टिविस्ट, वे सब भी वो सारे बहुत हमको इंस्पिरेशन होता है। जैसे और एक यू नो इज ए मास्टर क्राफ्टर गोपी कृष्णा, आई लर्न मेनी थिंग फ्रॉम हिम, ही इज लिविंग लाइक एज ही इज ए नोमैड। अभी जब जो गांधी का जो विचार रहता है वो लेके ही जाएगा, और हर विलेज में जाके वहाँ पे जो कारीगर रहता है उनको इंस्पिरेशन देके, मुझसे भी मेरे को बहुत सारी इंस्पिरेशन हुआ है। इसके लिए ये शो सारे बहुत सारे मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे हमारा शो हुआ तो अनिल कुमार सर ने मैंने अच्छे से रेटअप लिख देता हूँ, वो अच्छा रहा। सुरेखा मैडम भी बहुत ये की है, और विजय अग्रवाल सर भी है, आप ऐसे यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मतलब धीरे धीरे कॉलेज भी खत्म हो रहे हैं, और जो प्रैक्टिस करते रहते ना उसका भी ऑलमोस्ट ऑल स्लोली डाउन हो रहा है। हमको वो एक्चुअली जो यहाँ का ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, क्राफ्टमैनशिप भी हमको काम में लेना चाहिए, क्योंकि क्राफ्ट मतलब क्यों ले सर, उनका विचार के लिए वो आर्ट बन सकता है। इसके लिए हम क्राफ्ट का ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके वो दूसरा नज़र पर और आर्ट का सोच लेके हमने यहाँ पर गांधी मतलब हिस्ट्री ऑफ थीम पेपर किया है। This exhibition is an attempt to weaving the relationship between Gandhiji and art in a different way. Here, Gandhiji's ideas are more important than his images. Some artists have also created the images of Gandhiji, but in that too, his ideas have been presented through the images. The works included in this exhibition not only highlight the importance of his ideas, his thoughts in the contemporary context, but also seek indications of the future. My name is Santosh. I'm studied BFA and MBA in Bangalore and Kathak College of Fine Arts. Now we hear about Mahatma Gandhi. And they work 2-3 works. This is about salt. Salt, chavali, kya bolte? Salt. You can speak in English. Sir. Salt ke liye. Oh, that time
movement, salt movement, and now I am using salt, the connect to salt movement. This one also Gandhi about peace and peace, ahimsa, that type of I am doing work here. Gandhiji has become a benchmark for each of the artists in this show to conduct a self-inquiry into one's own artistic ability to research into a human figure, an idea, and a possibly near infinite personality all at once. Pradeep Kumar's greater effect and each artist's spontaneous responses effectively endorse this notion. My name is Ishwaraya Madhubaje. I am Gandhi work, three Ahimsa concept three work. One Gandhi dream work, and it is Bhima Ambika one work. Yeah. I am Vinyas Kandanalli from Dharwad. I studied at BMA Complete at Karnataka University. Master degree, Bangalore University. And I interested in cotton. Mera gaon ka pura cotton seed grow. Mera work included cotton seed. And interested in Gandhi Tattva. Pura mera gaon ka traditional culture. मेरा पेंटिंग पूरा ट्रेडिशनल एंड कल्चर पूरा इंस्पायर मेरा गांव के. My name is Bharat. I am from Dharwad. I finished my degree in Dharwad University and my master's finished in Bangalore University. Now I am practicing. These are my works. I did about the Gandhi. About Gandhi means I didn't give the character Gandhi. Gandhi, how I feel with the object and surrounding things, traffic and the bull fight with the cloth. How we have to react with the objects like that. I will show the Gandhi. Gandhi, this one, Mahatma. Why we call Mahatma means the
the Mahatma means it, bigger persons who come to the common place. It will. Sudha Baregar. I've studied Masters in Bangalore University. The concept is regarding Gandhi. I have not shown Gandhi directly. Only each and every work says this is the concept about Swadeshi. They've shown only cotton. So cotton, how it is like, it has become costly nowadays, cotton. And each and every, it is, as it is Swadeshi, we have to develop, we have to promote using cotton now. Yes. So it's all about Swadeshi and not curbing, as the curbing foreign products. So using Indian products. So this is about what Gandhi says. It is very very much questionable, and it is you yourself will question what Gandhi says. It is not, I'm not telling anything in this work. So it is only that you yourself have to interpret about the work, and that is as you know, it is the Gandhi March interpreted like in the through paper transfer. Few fonts and all are used, and the figurative shows it is everybody are running for salt. It is also the Swadeshi concept. So that is monkey and peanuts. Peanuts actually. It is. I've read that Gandhi used. Gandhi discovered that peanuts have a lot of nutrition facts because in those days fruits and few food products were too costly, too expensive. So he discovered that monkeys used to eat peanuts. So he started eating the peanuts, and also like others also he. Encouraged peanuts. So I have made 3 monkeys and peanuts. Akhundu Bandhu, Malik Saab Nawab. Work Gandhi Ji avara tattvagal mele nanu work madirodu. Namdu Dharwad district. ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಶೋ ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ತತ್ವ ಇತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಆ ಥರ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಶಾಂತಿ ಸರ್, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವ ಇದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ, ಇವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಂತಿಕಾರಿ. ಇದು ಬಂದು ಕುಡಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆಯಿತು, ಕುಡಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಚರಕ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಾರಗಳನ್ನು ಊರುಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯೋದು ಚರಕ. ಇದು ಹೋರಾಟ ಬಂದಣ, ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅವ್ರು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದಣ ಅಂತ ಅವ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಳ್ಳಾದ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನಂತ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಒಂದು ಜನ ಜಾತ್ರೆ ತುಂಬಿರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಂದುಕೊಂಡಂಗೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸೋ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್
ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಹಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಂಥ, ಮತ್ತು ಬರಗಾಲಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಊರೂರು ಅಡ್ಡಾಡ್ದೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ತುಂಬಿರ್ತಿತ್ತು. ಜೇನೊಳ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಕರನ್ನ ಹೀರಿ ಜೇನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರು ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೇನು